भाई बहनों, हम सभी आज लगातार पांचवी बार बाल संस्कार सेना के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। एक और खास अवसर है देश की 66वीं स्वतंत्रता दिवस। हमें संस्कार सेना में देश की गुलामी, अंग्रेजी हुकूमत की राजनीति और देश की कहानियों पर विस्तार से बताया गया है। हम किसी के और आजादी के भारत की आजादी के तात्पर्य पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपनी उम्मीदों पर कभी भरोसा न करना, बुरे लोगों को कभी सोचा न करना, कभी महसूस उसका ख्याल न करना, तुम खुद खास हो या याद करना। बड़े आश्चर्य की बात है, आज हमारा राष्ट्रीय पर्व मात्र जलेबी और झंडा फहराने तक सिमटता जा रहा है। लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है जो इतिहास की अवहेलना करता है वर्तमान उनका रहस्यमय कर देता है, साथ ही साथ भविष्य भी उसका रास्ता अंधकारमय कर देता है। आज हमारी वर्तमान शिक्षा क्या है? शिक्षक आज केवल परीक्षा पास करवाने के उद्देश्य से इतिहास की शिक्षा देते हैं और छात्र भी मात्र परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को रख लेते हैं, तो इससे हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? आज नागरिक शास्त्र केवल पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनकर रह गया है, इसे जीवन का हिस्सा बनाने में छात्र और शिक्षक दोनों ही असफल रहे हैं। कर्तव्य और अधिकार तो मात्र रख लिए गए हैं, जीवन में इसका प्रतिनिधित्व क्या कैसे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर बैठे सभी परम पिता के सुपुत्र एवं परम माता जी के सुपुत्री गुरुदेव कहते हैं, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हाँ, हम महत्वपूर्ण है और इस भारत को भी और महत्वपूर्ण बनाना होगा। गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा। अगर धर्म की बात सुनना हो तो पहले इस देश के लोगों को चिंता को दूर करना होगा। हमें याद रखना होगा कि हमारा झुग्गी झोपड़ियों में बसा है। बुराई तो हर कोई देखता है, पर मानव का सच्चाई ऐसी वही है जो इन सारी समस्याओं का हल निकाले। मंजिल नहीं आसान, कोई कभी पैदल चल कर देखो दर्द क्या होता है, औरों का कभी ठोकर खा कर देखो। कीमत पता लगानी हो जोराची के टुकड़े की तो एक दिन भूखा बिता कर देखो। लगेगी हर एक मुस्कान कीमती, कभी आंसू आंखों से बहा कर देखो। सच की राह को यदि सच की राह को अपना कर देखो, समझ आ जाएगी कीमत सच की। कभी सच नहीं, खुद को पहले खुद को बदल कर देखो। भारत का राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। हमें धारणा में चिंता उत्पन्न करना होगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भारत को इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशी और मजबूत स्नायु वाले शरीर की, अदम्य इच्छा शक्ति की। हमें किसी से इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आसपास अभाव कुछ लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। हमने पढ़ा है मातृदेव हुआ पितृदेव हुआ, पर मैं कहती हूँ दरिद्रदेव हुआ मूर्ख देव हुआ। जो जीवों पर दया कर रहा है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है।